मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगने जा रहे टीकाकरण अभियान को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया फर्जी। कहा जिनको मैसेज गया है वो टीका लगवाने आए ही नहीं है। अब तक आधे से भी कम लोगों ने टीका लगवाया है। कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी सरकार ने फर्जी बताया है। कलेक्टर कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंस पर पीसी शर्मा से बयान मांगा। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों के हौसले बुलंद है। पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। गृह विभाग का मुखिया प्रदेश को छोड़ पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। साफ पता चलता है कि सीएम और गृह मंत्री की आपस में नहीं बन पा रही है। कारण इससे पहले कॉन्फ्रेंस की थी, कलेक्टर को हटा दिए थे, लेकिन कानून व्यवस्था पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। देखिए, टीआई के साथ मारपीट करते हैं माफिया। मंत्री भिंड के अंदर मंत्री के घर के सामने माफिया फायरिंग करता है, एक वन रक्षक की जान चली जाती है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और जो बार बार मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसको कर नहीं रहे, कथनी और करनी मंत्री ने कहा था टांग देंगे, लटका देंगे, गाड़ देंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ये कुछ हो जाता तो मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं होती, अभी सब कुछ ठीक चलता रहता। दूसरा ठीक मुद्दा सामने आई, गृह मंत्री जब कलेक्टर और एसपीएन की वो है मीटिंग तो गृह मंत्री को रहना चाहिए, क्योंकि ये उस सब चीज़ों का फॉलो अप तो गृह मंत्री करता है। ये कहीं ना कहीं जो द्वंद की स्थिति है ये कानून व्यवस्था को और ध्वस्त कर रही है। गृह मंत्री को चुनाव प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, कांग्रेस का प्रशिक्षण शुरू किया। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। बीजेपी को तो अपने विधायकों को देना है प्रशिक्षण, क्योंकि उसमें बहुत से कांग्रेस से छोड़ के जो लोग गए हैं उनको झूठ बोलना नहीं आता, तो ये एक्चुअली ये करना चाहते हैं कि जैसे हमारे पुराने विधायक झूठ बोलते हैं आप भी सीखो झूठ बोलना। तो एक तो इनका प्रेसिडेंट का उद्देश्य केवल ये है। और रही राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट देने की बात, तो पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को प्रेसिडेंट दिलाएं और दिलाएं मनमोहन सिंह जी से जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। वजह यह है कि इनको देश चलाना नहीं आता। पहले नोटबंदी कर दी, लोग परेशान हो गए, फिर जीएसटी अनाप शनाप तरीके से लगा दिया। उसके बाद इनने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल 30-35 रुपए में बेचेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो इतनी महंगाई हो गई उस ज़माने में जब 50-60 था मनमोहन सिंह जी के उसमें 2014 के इलेक्शन पहले। और आज 100 रुपये हो रहा डीजल पेट्रोल, रसोई गैस 800 रुपये, खाने का तेल 130, महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके बाद ये कोरोना को नहीं संभाल पाए, लाख से ऊपर लोगों की जान चली गई। उसके बाद वैक्सीन आई तो नेता लगा नहीं रहे, डॉक्टर्स वहाँ से हट रहे हैं। कोरोना काल में लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, नौकरियां चली गई, जबकि इनने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। और उसके बाद बचा कुचा किसानों का जो 3 काले कानून पास किए उसकी वजह से, और वो भी जब लॉकडाउन था पार्लियामेंट में बगैर चर्चा के और बगैर किसानों से चर्चा के, जिसकी वजह से अभी 3 महीने से किसान धरने पे वहाँ बैठा हुआ है और कल परसों चकाजाम देश के अंदर हुआ। तो ये महंगाई बढ़ रही है, जाम हो रहे हैं, देश जाम हो चुका है, ये सब कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कैसे चलाया जाए देश, जबकि आम आदमी खुश हो, नौकरियां भी मिले, व्यवसाय भी चले, काम भी चले और लोगों की जान नहीं जाए। लगातार लोगों की जान इस मोदी शाह काल में लगातार जा रही है और इस सब के लिए जिम्मेदार केंद्र की सरकार है, पहले इनको ट्रेनिंग दें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।